हेलो सो वेलकम बैक टू एट द न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो मेरी होने वाली लोहड़ी का व्लॉग। और हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। आज लोहड़ी है जो कि 13 जनवरी, और यार अभी 5 बजने को शाम के मैं व्लॉग थोड़ा लेट चालू किया क्योंकि यार मैं सुबह से तैयारियां कर रहा था और दोपहर में पतंग उड़ा रहा था, उसका मैं व्लॉग किया नहीं। बट मैं कल गया था शॉपिंग करने, जो भी लोहड़ी का सामान होता है, लकड़ियाँ वगैरह, तो जल्दी से आप क्लिप देखो। तो यार अब अपन आए रेवड़ी और गच्चक लेने, जो भी प्रसाद डालते हैं लोहड़ी में। देख लो, हमेशा हम लोग यहीं से लेते हैं, ये पॉपकॉर्न हो गए, ये सब रेवड़ी वगैरह होती है, यही सब हमेशा यहीं से लेते हैं अपन। ये देखो ये मूंगफली है, हम लोग 1-2 किलो ले लेते हैं। और इस समय हो गए दोस्तों, देख लो हम लोग ने इतना सामान लिया है, पॉपकॉर्न ले लिए, मूंगफली कुछ ले लिए हैं, और ये सब आपको दिखाता हूँ आराम से। दोस्तों अब अपन आए लकड़ियाँ लेने, जो भी लोहड़ी के लिए होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार ये देख लो, ये लकड़ियाँ यहीं से हम लोग लेते हैं, और 20 किलो ले रहे हैं हम लोग। तो यार ये देख लो, ये लकड़ियाँ हैं, 20 kg में हो जाएगा, 20-30 kg, हाँ 20-30 किलो में हो जाएगा। पर अभी क्या है कि बारिश का भी मौसम हो रहा है, तो बारिश की वजह से थोड़ी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं। पर ये देख लो, यहीं सारी लकड़ियाँ रखी रहती हैं, तभी ये बारिश होकर पूरी गीली हो जाती हैं। बट हम लोग देख रहे हैं कौन सी सूखी लकड़ियाँ मिल जाए यहाँ से। तो यार 25 किलो हो गया अपना। तो जैसे आपने देख लिया, मैं गया था शॉपिंग करने और ये सब लाए हम लोग, तो मूंगफली वगैरह सब है, पॉपकॉर्न वगैरह सब है। तो वो आपको रात को दिखाता हूँ जब गेस्ट आएंगे। हम लोग ने ज़्यादा लोग को इनवाइट नहीं किया है, मतलब जो भी कॉलोनी के लोग हैं उनको मैं, हम लोग ने बोल दिया कि यार हम लोग करेंगे। और आपको बताते हैं क्या प्रोसेस होता है पूरा लोहड़ी का। तो आप लोग अगर नए हो चैनल पे, चैनल कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो अभी क्या सीन है मेरे पास, ये जो डीजे है वाला, मतलब होम थिएटर है, इसको ऊपर रखा था तो मैं नीचे ले आया हूँ। बट इसको हम लोग को बाहर रखना है, क्योंकि अंदर तो बजाऊंगा नहीं, बाहर बजाएंगे क्योंकि गाने वाने चलाना होता है। तो इसको हम लोग बाहर लेके जाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे इसको सेटअप करते हैं। तो यार मैंने स्पीकर को यहाँ सेटअप कर दिया, जैसे देख लो, और 5.1 होम थिएटर है। बट धूल बहुत, इसको मैं जल्दी साफ़ कर देता हूँ, और एक एक्सटेंशन ले आऊँ लगाने के लिए। तो इसको जल्दी मैं साफ़ करता हूँ, तो आप उसका टाइमलेस एंजॉय करो। तो भाई हो गया साफ फाइनली, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो यार ये देख लो, अभी कुछ ऐसा लग रहा है। और मैंने इसको कनेक्शन के लिए एक एक्सटेंशन यहाँ लगा दिए बाय चांस, क्योंकि वायर बहुत छोटी है इसकी, और पीछे वायरिंग इग्नोर करना क्योंकि मैं भी टेम्परेरी बेसिस के लिए लगा दिया हूँ। तो इसको जल्दी से अपन टेस्ट करते हैं लगा के कि सही से चल रहा है कि नहीं। तो यार मैं जल्दी से इसको टेस्ट करता हूँ, देखते हैं चल रहा है कि नहीं। अभी फिलहाल ऑक्स में लगाए, एक मेरे पास पेन ड्राइव भी, इसमें मैंने गाने भर दिए, इसको जल्दी से टेस्ट करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं। तो यार मैंने भी नो कॉपीराइट सॉन्ग चलाया था, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। वर्किंग तो भाई एकदम खतरनाक चल रहा है इसका, मतलब साउंड अच्छी चल रही है। और पेन ड्राइव में मैं थोड़ी देर बाद गाने लगाऊंगा क्योंकि उसमें वो है बॉलीवुड सॉन्ग है, तो यार कॉपीराइट अपने को पड़ जाता है। अब आपको दिखाता हूँ मेरे, हम लोग ने क्या क्या अरेंजमेंट किए लोहड़ी के लिए रात के लिए। तो यार अरेंजमेंट का ज़्यादा हम लोग ने ग्रैंड किया नहीं है, बस यहाँ पे हम लोग ने कुछ चेयर्स लगा दी जो बैठने के लिए, जो भी गेस्ट आ रहे हैं और कॉलोनी के लोग बुलाए हम लोग, क्योंकि ड्यू टू कोविड ज़्यादा लोग आए नहीं गए। और जो भी लकड़ियाँ हैं वो हमने गाड़ी के डिक्की में रखे, तो जल्दी से दिखाता हूँ आपको। टेबल वगैरह रख दिए यहाँ पे, पर देख लो कुछ हम लोग ने 20-30 चेयर्स लगा दिए यहाँ पे, जो भी लोहड़ी का सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे होता है। तो यार सारी लकड़ियाँ हम लोग ने यहाँ रख दी हैं, जैसे आपने वीडियो में देखा हम लोग 25 किलो लकड़ियाँ लेके आए हैं, ये 25 किलो है, बाकी ऊपर से 5-6 किलो और है घर में पड़ी हैं। तो यार ये देख लो, अभी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, और साथ में हम लोगों ने कुछ गत्ते भी ले आए हैं, और जो गत्ते हम लोग जलाने के काम आएगा। तो इतनी लकड़ियाँ हैं, और ये कुछ प्लाई भी आ गई, जो प्लाई जलने में आसानी होती है, जैसे देख लो ये कुछ प्लाई है। अभी इतना स्ट्रक्चर तैयार है, और अभी मैं कैमरे की बैटरी चार्ज करता हूँ और आपसे मिलता हूँ, आपसे 2 सेकंड में मिलूंगा। मैं इसको चार्ज करता हूँ, 30 मिनट्स लगेगा चार्ज होने में, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। और
एंड आई एम बैक। दोस्तों चार्ज हो गया, थोड़ा आधा हो गई बैटरी कैमरे की, और लोडी विदाउट फायरवर्क्स तो मतलब मजा ही नहीं आता, तो ही मैं कुछ पटाखे ले आया हूँ। तो ये देखो यार, ये कुछ पटाखे हैं जो स्काई शॉट से। तो यार ज्यादा मैं जला नहीं रहा हूँ क्योंकि इंजॉय भी करना अपने को। एक ये ऊन बम का डब्बा है, एकदम नया है ये, पूरे इसके 10 पैकेट्स अंदर। एक ये 100 वाली लड़ी है जो बच गई थी दिवाली पे, एंड ये टैंगो एक और ले आया मैं सुप्रीम का, तो पूरा ही पैक्ड है। तो उसको जल्दी से अपन ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यार ये देख लो, इसके अंदर तीन पैक्स हैं जो सुप्रीम का है, सुप्रीम का है। तो देखते हैं कैसा चलता है, इसमें तीनों का ट्राई कर लेंगे, एक ही लड़ी 100 वाली एंड एक ऊनबम है, मतलब पूरा डब्बा है। तो देखते हैं कितना जलाते हैं इसको। दोस्तों मैंने अपने सारे फायरवर्क्स पीछे वहाँ रख दिए हैं अभी, क्योंकि अभी नहीं जलाएंगे, अराउंड 9 या 10 बजे जलाएंगे। तो यार अंधेरा हो गया है और अभी कुछ ऐसा लग रहा है सीन, और ये तैयार हो गया। मैंने आपको जैसे प्रोसेस बता दिया, हम लोग को एक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है और ये तैयार हो जाता है। बस पेपर वगैरह हम लोग ने लगा दी, ऊपर से घी डाल देंगे जिससे आसानी से जल जाए। तो दोस्तों सब रेडी हो गया ऑलमोस्ट, तो देख लो अभी कुछ ऐसा लग रहा है। और ये रही अपनी लोडी, और लोडी एक तरह से जैसे आप होलिका देखते होगे वैसे ही सेम लोडी होती है, बस थोड़ा सा अलग होता है। बाकी डिटेल में जानना आप गूगल कर सकते हो। आपको जल्दी से ओवरव्यू देता हूं प्रसाद में क्या है। जैसे देख लो, ये पॉपकॉर्न है, देन मूंगफलियाँ हैं, देन गच्चक है, और इसमें भी यार ये हम लोग खोले इसलिए नहीं है क्योंकि मॉइस्चर आ जाती है, ये रेवड़ी होती है। तो ये सारा प्रसाद का आइटम होता है। सो दोस्तों अभी कुछ बज रहे हैं 6:30, और 7 बजे राउंड हम लोग बॉनफायर करेंगे। और अभी एक हम लोगों ने छोटा सा बॉनफायर किया है क्योंकि ठंड बहुत हो रही है सतना में, और अभी मैंने हुडी भी थोड़ी मोटी वाली पहनी हुई है। तो यार ये देख लो, ये बॉनफायर वहाँ दीदी बैठी है, एंजॉय कर रही है। हैप्पी लोहड़ी एवरीवन। तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा बॉनफायर किया है, लकड़ियाँ वगैरह लगा दी हैं। दोस्तों लगा दिए आग, जैसे देख लो पीछे दीदी वहाँ देख रही है, देख लो बहुत अच्छी से आग पकड़ ली। हम लोग बस सरसों तेल डाला और पेपर लगाया, थोड़ा सा कपूर डाल दिया। सारे गेस्ट आ गए हैं और अब बारी है हाउजी की। हम लोग हाउजी खिलवा रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है इस सोसाइटी में, फर्स्ट टाइम। तो सोचे कि इस बार हाउजी खिलवाते हैं। तो देख लो पीछे सारे गेस्ट बैठे हैं, अभी ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा नहीं क्योंकि सब अपना एंजॉय कर रहे हैं। नंबर कट जाए, जिसके सबसे पहले कटेंगे और कॉल करेगा, आखिरी नंबर जो मैं बोलूंगा उस पर कॉल होनी चाहिए, तब नहीं तो बोगस हो जाएगा वो। थर्ड नंबर, अनलकी नंबर 1 and 3, 13। थ्री नंबर दो। 2 and 9, 29। सब एक बराबर, अभी अभी देखिए सब चेंज हो जाएंगे रिजल्ट। 4 and 1, 41। कोई चेंज, टेक केयर ऑफ योर प्राइजेस। नेक्स्ट नंबर 5 and 6, 56। 5 जी। तो नेक्स्ट नंबर, तो लड़कियों के पास अब ज्यादा टिकट भी तो है। 70, 6 and 6। आंटी उठाइए। अच्छा एक बच्चा है क्या? नेक्स्ट नंबर 1 and 9, 19। दोस्तों खाना पीना सब हो गया है और अभी बस इंट्रोडक्शन वगैरह चल रही है, और आप जिसका वेट कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। थोड़ा मैं फिल्मी हो गया। ये अपन जलाने वाले पटाखे अब जलाते हैं और आपको दिखाते हैं। ठंड बहुत हो गई है, अराउंड 10 डिग्री हो गया अभी। तो चलो दोस्तों पहले लड़ी जलाते हैं, अपन लड़ी से चालू करते हैं। तो ये देख लो ऐसे कुछ आती है, आप तो देखे ही हो। चलो जलाते हैं इसको। तो अब बुझ गया था, अब जलाते हैं मुझसे।
तो यार आई थिंक जो लड़ी थी वो थोड़ी ठंडी पड़ गई थी क्योंकि यार बहुत ठंड हो गई है, जैसे बताया 10 डिग्री हो गया है। तो अब एक स्काई शॉट ट्राई करते, देखते वो अच्छा जलता है कि नहीं। चलो लगाते हैं स्काई शॉट पे, आप देखते हैं कैसा जलता है। काफी बढ़िया था यार। अब ट्राई करते हैं ये ऊन बम, दो ट्राई करता हूँ क्योंकि देखते हैं जलता है कि नहीं। तो चलो लगाते हैं इस पे आग, अपनी पुरानी जगह देख लो वैसी की वैसी ही है, दिवाली के बाद भी वैसे ही है। चलो लगाते हैं इस पे आग। तो भाई फर्स्ट वाला बहुत तेज बजा, काफी अच्छा था, एक और ट्राई करते जल्दी से। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी मैं आपको कुछ पटाखे जला के दिखाया और यार लड़ी पता नहीं क्यों तो आधी जल रही थी, मतलब पूरी जल गई, रुक रुक के जल रही थी। और अभी देख लो सब चले गए हैं सारे जो गेस्ट आए थे, और अभी थोड़ी सी आग बच गई, मतलब जो कोयला था और जो मेरे पास और एक दो स्पेयर बची थी वो मैं डाल दिया हूँ। और अभी कुछ क्या टाइम हो गया, अभी कुछ 11:13 हो गए हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा और 10-15 मिनट और बैठेंगे, फिर मैं जो भी कोयला रहेगा इसको अंदर ले जाऊंगा, अंदर मतलब तसले में रख दूंगा। देखो ये तसला, ये आप देख सकते हो ये है तसला, तो मैं इसमें रख देता हूँ, तो इसमें कुछ कोयला डाल देंगे अपन। दोस्तों आप लोग बताना आप लोग ने कुछ इस वीडियो में नया देखा कुछ, हम लोग क्योंकि पंजाबीज में तो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं लोहड़ी, और दीदी भी आ गई हैं अब, कुछ हम लोग मतलब डिनर भी किए नहीं है, तो कुछ ऐसे खा पी रहे थे और डिनर भी कर लेंगे अभी। तो बस ये अब लोग थोड़ा और आग जलाते हैं, थोड़ी और लकड़ियाँ वगैरह डालते हैं, और फॉग भी हो गई है, अराउंड 10 डिग्री हो गया रात के, बहुत ठंड हो गई है। हाँ ठंड हो गई है, तभी मैंने ये हुडी पहन ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब, और वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में बताओ और क्या ला सकता हूँ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो साथ। तब तक थैंक फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।